में धुआं हो रही जिंदगी। अब नहीं तो कब जागेंगे अधिकारी? इंसान से लेकर जानवर तक हो रहे धुंध का शिकार। प्रदूषण के मामले में दिल्ली एनसीआर की तरह ही यूपी के बुलंदशहर के भी बुरे हाल है। भले ही यहाँ आसमान सफेद धुंध की चादर ओढ़े हुए है, लेकिन प्रशासन है कि अभी तक गंभीर नजर नहीं आ रहा। ये प्रशासन की लापरवाही ही है कि यहाँ धान की फसल उठने के बाद अब किसान खुले में पराली जला रहे हैं। कोई जानकारी है आपको? नहीं जी। तो ये आपको पता नहीं है कि इसे नहीं जलाना चाहिए? मालूम नहीं थी। जी। तो ये जो जलाई आपने खेत में चारों तरफ जल रही है और भी आसपास में खेतों में जल रही है, तो ये आपको जानकारी नहीं थी? जी। क्योंकि देखो आप देख रहे हो दिन है, अभी भी कितनी धुंध है ना, ये इसीलिए है जो आप पराली जला रहे। तो क्या अब आप आगे से भी जलाएंगे? जिम्मेदार अधिकारी कई बार इस बारे में मीटिंग कर चुके हैं। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड भी मीटिंग कर हल निकालने की बात जरूर करता है, लेकिन हकीकत में कहीं भी कोई तब्दील नजर नहीं आती। इस समस्या के बारे में जब जिला कृषि अधिकारी से बात की गई, तो उन्होंने गरीब किसानों पर जुर्माने का फरमान सुना दिया। इसकी तरफ से हमारे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा तहसील स्तरीय टीम गठित की गई है, उसमें एक प्रशासनिक अधिकारी और एक कृषि विभाग का अधिकारी प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पे जो हमारे किसान सहायक हैं उनके माध्यम से इस पे निगरानी रख रही है। जो भी किसान अगर इस तरह से फसल अवशेष को पाया जाता है, उस पे तुरंत हम लोग कार्रवाई करते हैं। इस धुएं से आम जन का न सिर्फ सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बल्कि ये बेमौसमी धुएं की चादर लोगों में बीमारियां भी पैदा कर रही है। इंसान से लेकर जानवरों तक सभी पर इस धुएं का सीधा असर हो रहा है। ये मेरे पीछे एक खेत है जहां पराली जलाई जा रही है। किसानों का कहना है कि ये थोड़ी सी ही थी इसलिए जला दी, लेकिन जो बातें कार्रवाई की जा रही हैं, कार्रवाई तो होती नजर नहीं आ रही है, और लोग अपनी धुन में मगन होकर हवा को और भी दूषित करने में लगे हुए हैं। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी बुलंदशहर।